आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज प्लस वन से मैं शगुफा परवीन हम आपको बता रहे हैं न्यूज प्लस वन की कुछ खास खबरें। कर्नाटक और गोवा तट के पास मध्य अरब सागर पर एक चक्रवर्ती हवाओं का चित्र बना हुआ है। इस चक्रवर्ती हवाओं के क्षेत्र से एक ट्रफ रेखा कर्नाटक से होते हुए दक्षिण तमिलनाडु तक जा रही है। एक ट्रफ रेखा दक्षिण महाराष्ट्र से केरल तट तक फैली हुई है। कोमोरीन क्षेत्र के ऊपर एक चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में हुई मौसमी हलचल। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य से भारी बारिश उपमहाद्वीप, पश्चिम बंगाल और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में देखी गई है। केरल, लक्षद्वीप, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्य बारिश के स्थान पर एक दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है। तटीय उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, बिहार के पूर्व हिस्सों, दक्षिण और पूर्व मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मराठवाड़ा, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्य बारिश हुई। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चली। पश्चिम राजस्थान, गुजरात के कुछ हिस्सों, विदर्भ, आंतरिक ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश हुई। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, कर्नाटक और कोंकण और गोवा में हल्की से मध्य बारिश के स्थान पर एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्व राजस्थान और शेष पश्चिम हिमालय पर एक दो स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। यह मौसम की जानकारी स्काई मेट से दी जा रही है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।